राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद सोमवार को पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो मेरी तरह ही केजरीवाल को भी न्याय देगा। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिसोदिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुझे हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच सीबीआई और ईडी दफ्तर में पेश होना होगा। इसी वजह से आज मैं उनके दफ्तर गया था। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सबसे कठिन दौर से गुजरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता ने एकता दिखाई, यही हमारी ताकत है। पार्टी में कोई टूट नहीं है। सिसोदिया ने 11 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्र के पटपगंज के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारी, हम जल्द ही इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।